पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है, पाकिस्तान विश्व से भीख मांग रहा है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया भारत महाशक्ति बनने की राह पर है। पाकिस्तान के सांसद ने भी आईना दिखाया है पाकिस्तान को। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बड़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है। तो मेरे बहन भाइयों, वह देश हमारा भारत है। तो तंगहाल पाकिस्तान सब बेचने की योजना बना रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान ऑन सेल। पाकिस्तान की फेल अर्थव्यवस्था बेहद ही खस्ता हाल है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी मदद करने से कतरा रहे हैं पाकिस्तान की। ऐसे में एकमात्र रास्ता पाकिस्तान के पास यही बचा है। इसलिए पाकिस्तान किसी जमाने में दुनिया में नंबर वन रही पाकिस्तानी एयरलाइंस को भी अब बेचने के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तानी एयरलाइंस का हर महीने कर्ज पाटने में ही 11.5 बिलियन रुपए का घाटा शहबाज सरकार झेल रही है। वहीं बिजली संकट से छाए अंधेरे को टालने के लिए बिजली कंपनीज की बिक्री करना वो चाहता है, और इस तरह से वो 80 से ज्यादा कंपनीज को निजी हाथों में सौंप देना चाह रहा है। जी हाँ, तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऑन सेल, पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों की सेल लगी हुई है और उसे बेचने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी बात क्या है, बड़ा कदम है। 2024 से लेकर 2029 तक का खाका तैयार किया गया शहबाज सरकार की तरफ से। तर्क ये दिया जा रहा है कि कर्ज से छुटकारा मिलेगा, इससे जो कर्ज भारी भरकम लिया उसे छुटकारा मिलेगा। हालांकि सभी सरकारी कंपनियों की बिक्री को लेकर ये जो कदम उठाया जा रहा है उसका तर्क यह है कि सरकारी खजाने से बोझ घट सकेगा। जी हाँ, एक और कदम पाकिस्तान एयरलाइन से शुरुआत। तरक्की का एकमात्र विकल्प यही है कि एयरलाइन से शुरुआत की जाएगी बिक्री की। हालांकि बिक्री के लिए पैनल बनाने को लेकर भी बड़ी खबर यहाँ पर निधि मिल रही है, लेकिन तर्क यही है कि विकास पर फोकस इसके जरिए, इसी पैनल के जरिए करना भी आसान हो जाएगा। और बड़ी बात यह कि नीलामी का लाइव प्रसारण किया जाएगा और उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता को गुणवत्ता मिलेगी यानी क्वालिटी मिलेगी, ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है। हालांकि एक और इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिर कितने बुरे हाल में है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 8 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो महज 45 दिन चल सकता है, जबकि कम से कम 90 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। निधि जी हाँ, 2024 में विकास दर 2.1% रहने का अनुमान है। वार्षिक महंगाई दर 26% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी रुपए की ताकत डॉलर के मुकाबले लगातार घट रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। 9.8 करोड़ लोग गरीबी से इस वक्त जूझ रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ने चिंता जताई है कि 1 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब तंगहाली के आंकड़ों के तहत ही एक सवाल आपसे करूंगी, क्या कोई योजना ऐसी अब नहीं बची जिस आधार पर हम ये कहें कि पाकिस्तान किसी ऐसे विकल्प पर विचार करे जहां कुछ बेहतरी हो सके मुल्क के लिए? क्या बेचना ही एकमात्र रास्ता? देखिए निधि, ये प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी तो कैबिनेट ने दे दी है और शहबाज सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये प्राइवेटाइजेशन की जाएगी और खासकर PIA सबसे पहले इसका निशाना बनेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान में हर सरकार में ये नारा लगता रहा है कि जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने नारा लगाया था कर्ज उतारो मुल्क बचारो। आज उस बात को भी 20 साल हो गए हैं लेकिन कर्ज हमारे पे बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको फैक्ट बताऊं कि IMF के साथ पाकिस्तान की बातचीत इस समय चल रही है इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF से 6 बिलियन डॉलर जो है उसके लिए बातचीत कर रहा है कि उसकी इमदाद मिल जाए। लेकिन कल जो प्रॉपर्टी लीक्स दुबई की आई है उसमें सिर्फ पाकिस्तानियों के 11 बिलियन जो डॉलर है उसकी प्रॉपर्टी सामने आई है, जिनमें बिलावल भुट्टो की प्रॉपर्टी है, बिलावल की बहनों की प्रॉपर्टी है, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी है, 11 आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स की प्रॉपर्टी है। ये हाल है कि एक तरफ पाकिस्तान एक एक पाई के लिए कर्ज के लिए बातचीत कर रहा है, IMF से भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ
वही पाकिस्तान के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े नेता हैं, उनकी 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज, कल जो दुबई लीक सामने आया है, जो प्रॉपर्टीज का बड़ा स्कैंडल है, उसमें पाकिस्तानियों की 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी सामने आई है। तो ये तो एक तरफ का एंड है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को पीपल्स पार्टी विरोध कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम PIA को बिकने नहीं देंगे और इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ा, तो आएंगे ये शिवाज सरकार के लिए एक मुश्किल होगी कि पीपल्स पार्टी उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ा करती है ये देखना होगा। बिल्कुल मुश्किल तो है गुलाम, लेकिन हाहाकार मचा रही है जनता, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ऑन सेल है, अर्थव्यवस्था फेल है और एकमात्र रास्ता यही बचा है कि सरकारी कंपनियों को बेचा जाए, तब तो पैसा आएगा, लेकिन जो पैसा देती है एजेंसियां वो भी आंख दिखा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाम ये जानकारी देने के लिए पाकिस्तान के बारे में। आगे देश की खबरों में वापस लौटते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फिर POK को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो POK भारत का हो जाएगा और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा। लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए, तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। सर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पटाखा हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। और राजस्थान के झुंझुनू खदान हादसे पर बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि खदान की लिफ्ट में फंसे सभी 15 लोगों को निकाले जाने को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कॉपर खदान में लिफ्ट टूटने से सभी लोग फंस गए थे, लेकिन इस बीच राहत की खबर ये कि खदान की लिफ्ट में फंसे सभी 15 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खदान में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। कोलिहान माइंस में लिफ्ट की चेन टूटने से खदान में 15 लोग फंस गए थे। ये सभी विजिलेंस टीम के अधिकारी थे जो कॉपर खदान में जांच के लिए नीचे गए थे। खदान से ऊपर आते वक्त लिफ्ट की चेन टूट गई, जिसके बाद सभी 15 अधिकारी 1800 फीट गहरी खदान में फंस गए। आनंद फानन में इसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने सभी फंसे 15 अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। और झुंझुनू सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उनमें से 3 की हालत गंभीर थी, उन्हें जयपुर रेफर किया गया। फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 3 लोग थोड़े सीरियस थे, जिनको बाहर लाकर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, बाकियों को लाने के लिए गाड़ी गई है। और अब बात चुनावों की। चौथे चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि BJP 270 सीट जीत चुकी है, अब 400 पार के लिए लड़ाई जारी है। मैं आज बंगाल के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार मोदी
सत्ता में नहीं आ रहे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी को 200 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे। एक तरफ पांचवें चरण की वोटिंग के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में नेता जीत को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि चौथे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है, वहीं विपक्षी पार्टी इससे अलग आंकड़ा बता रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी को इस बार 195 से 200 सीट आएंगी। ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से 315 के बीच सीटें मिलेंगी। दिल्ली तो मोदी नय, दीदी जेटा करबे सेटा होच्छे इंडिया जोट के ओखाने क्षमताय एने देबे। आमरा এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যা হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4 পার্টি বাদ দিয়ে। এখনো गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी के मां माटी मानुष के नारों पर पलटवार किया है। शाह ने कहा कि ममता ने बंगाल में मुल्ला मदरसा और माफिया की सरकार बना दी है। मां माटी और मानुष, इसकी जगह मुल्ला मदरसा और माफिया। मुझे बताओ, ये ममता दीदी को फिर से चुनना चाहिए क्या? ये मस्जिदों के इमाम को वेतन देती है, मंदिर के पंडितों को नहीं देती है, ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ताजिया निकल सकता है और काली विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता, ऐसा चल सकता है क्या? भाइयों बहनों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने ममता दीदी को, अरे भतीजे को निमंत्रण भेजा, वो अपनी वोट बैंक के डर से नहीं गई, वोट बैंक से ये रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए ना, वो उनका वोट बैंक है दीदी, उनसे डरती है, डरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर प्रहार किया। पीएम ने झारखंड के लोगों को नक्सलवाद से मुक्ति का भरोसा दिया। मिशन झारखंड पर पहुंचे पीएम मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की गारंटी दी। कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने विरोधी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करारा वार किया। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। और पांचवें चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिए जाने का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह मुद्दा उठाया है और कांग्रेस से सवाल किए हैं। मोदी जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और हम बीजेपी 10 साल सरकार में अभी तक बैठ चुका हूं। हमारा सरकार एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन को और शक्ति देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए चाहते है और उनका जगह में वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते है, जिसका शुरुआत वो कर्नाटक में कर चुका है। यह धर्म भित्तित आरक्षण करना कांग्रेस का षड्यंत्र है और इस चुनाव में हमें कांग्रेस को ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना पड़ेगा कि आप अम्बेडकर जी जो करके गया है वो रिजर्वेशन को आप खत्म नहीं कर सकते हो। आप धर्म भित्तिक रिजर्वेशन करने का आपको हम अनुमति नहीं दूंगा
और कांग्रेस को जवाब भी देना पड़ेगा कि आप ST SC OBC का रिजर्वेशन काट के आपने मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दिया। राम मंदिर और पाकिस्तान के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। अमेठी की चुनावी सभा में उन्होंने दोनों पार्टियों को खरी खरी सुनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा। पाकिस्तान के पास एटम बम होने को लेकर दिए गए बयान पर योगी ने दोनों पार्टियों पर पलटवार किया। एक भिकमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और मैं तो फिर कहता हूं जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिकमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि भारत की सामरिक शक्ति को ललकारने की हिमाकत कोई ना करे, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत भी कम नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है। और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर अपनी माँ, पिता, दादा और दादी से जुड़ी यादें शेयर की हैं। वीडियो के जरिए राहुल और सोनिया ने अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए प्यार दिखाया है। माँ के साथ पुरानी तस्वीर देखकर पापा और दादी की याद भी आ गई। आइए हम आपको इसके कुछ अंश दिखाते हैं। आपको याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी अपने दौरा, ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था, जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते, पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहां के MP थे 33 से, पर दादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। उनके देहांत के बाद तो फिर दादी ने लोकसभा लगाई वहां से, रायबरेली से। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहां के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बड़ी खबर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन देने से इनकार कर दिया। अपने इस फैसले के साथ ही अफवाहों पर राजा भैया ने विराम लगा दिया। कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को लेकर असमंजस खत्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अमित शाह के हीरागंज आने से पूर्व अटकलें लग रही थी कि राजा भैया मंच शेयर करेंगे, लेकिन ना तो वो अमित शाह के साथ मंच पर गए और ना ही समर्थन दिया, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और उम्मीदवार समर्थन मांगने बेती पहुंचे थे। अपना फैसला सुनाने के लिए राजा भैया ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और गेंद समर्थकों के पाले में डाल दी। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम दोनों फिर हम कहते हैं, बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा, जैसा चाहे जीता हुए। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आए तो हम तो हैं नहीं, हम कहां भागेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार के काम की तारीफ भी की। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। एक 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 एक
हम लोगों की लड़ाई इनसे सरकारों से कभी समाप्त होने वाली है। तब तक हम जनता के हित लड़ते रहे, हम ही अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर मुकदमे कायम होंगे, अगर हसीब उठ के खड़े होंगे जनता के उनके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। समझ रहे हैं, चाहे आदरणीय कदम राशि जी खड़े होंगे तो उनके ऊपर मुकदमे कायम होंगे, चाहे हमारा प्रश्नोत्तर उनके खड़ा होगा लड़े उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत। और हम सब लोग इसी बात के साथ आप सब लोगों से आग्रह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी घाटकोपर में शाम को रोड शो करेंगे और रोड शो के लिए पूरी तैयारी कैसी की गई है इस रिपोर्ट में देखिए। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय। पांचवे चरण के चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार की रफ्तार तेज कर दी। धुआंधार प्रचार के लिए निकले पीएम मोदी की नजर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा है। पीएम आज महाराष्ट्र में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम वो घाटकोपर में रोड शो करेंगे। 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों ने पूरी ताकत की है। यहाँ से बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको मिलने के लिए कल शाम 4:30 बजे घाटकोपर वेस्ट में LBS रोड पर अशोक सिल्क मिल से शुरू होने वाले रोड शो में आने वाले हैं। ये रोड शो की समाप्ति घाटकोपर ईस्ट में पार्श्वनाथ जैन दिरासर पे होने वाली है। पीएम मोदी के घाटकोपर रोड शो के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। और जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी में से एक इटली जाएंगे और एक लंदन जाएंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। गिरती हुई पार्टी जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुँचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब सातवें चरण में चुनाव आएगा जनता का गुस्सा इनके खिलाफ सातवें आसमान पर होगा। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL अटल सेतु को विकास की अद्भुत कारीगरी बताया है और मंदाना ने लोगों से विकास के नाम पर वोट की भी अपील की है। यू नो द जर्नी ऑफ 2 hours कैन बी डन इन 20 minutes, एज इन यू वुडन्ट इवन बिलीव इट। मतलब लाइक हु वुड हैव थॉट समथिंग लाइक दिस वाज पॉसिबल। एंड आज मतलब नवी मुंबई से मुंबई तक और गोवा से मुंबई तक और बैंगलोर से मुंबई तक व्हेन ऑल द जर्नी इज मेड सो इजीली एंड विद सच अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स मी फील प्राउड। नाउ एटलीस्ट इंडिया इज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, नोबडी इज सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया, अब हो नहीं सकता और you know it's impossible for India. Nobody's like, look at our country grow, like it's freaking brilliant the way in the last 10 years the country has grown and you know the infrastructure today, the planning in our country, the road planning, everything is just brilliant. So I think now it's the hard time. As a young Bharatiya to all of you, from this majestic architecture or the majestic infrastructure Atal Setu, विकास और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट करिए। और बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा सामने आया है। चाचा का शरीर एनडीए में है लेकिन मन हमारे साथ है, बीजेपी ने चाचा को हाईजैक कर लिया है, चाचा बीजेपी के साथ खुश नहीं है, चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है।
चाचा ने कहा था कि जो लोग 14 में आए हैं वो लोग 24 में जाएंगे, वही काम में हम लगे हुए। जो चाचा जी सिखाए हमको कि 14 वाले के 24 में बाहर करना है, वही काम में आए हम। अरे तो चाचा जी को तो हाईजैक क्या कर लिया है, तो उसी काम में। और हमको पूरा विश्वास है कि चाचा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और वो भी दिल से चाहते हैं कि 14 वाले 24 में जाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन था, नामांकन था, आज चाचा जी का तबियत खराब हो गया। पूरा सहयोग मिल रहा है तेजस्वी को चाचा का। राजस्थान में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे एक मासूम की नई जिंदगी मिलने वाली है। 23 महीने के बच्चे को अमेरिका से लाया गया, 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया है। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 23 महीने के बच्चे हृदयांश को अब नई जिंदगी मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के बेटे हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम आखिरकार अब कामयाब हो ही गई। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रॉफी नामक घातक बीमारी से जूझ रहे हृदयांश को 17.5 करोड़ रुपए का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया। हृदयांश की जिंदगी बचाने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोग सामने आए। आम लोग, पुलिस और दिहाड़ी मजदूरी करने वालों ने इंजेक्शन के लिए पैसे जुटाए। मासूम की मदद के लिए भारतीय क्रिकेटर से लेकर बड़े राजनेताओं ने हाथ बटाया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस दवा का असर 10 दिनों में दिखेगा। कि जो स्पाइनल मस्कुलर बीमारी है उसमें जो बच्चों की एवरेज लाइफ होती है वो 2 से 4 साल तक कंडीशन देखी गई है। अब तक ये दवा दुनिया में लगभग 3500 बच्चों को लग चुकी है, और ये आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि इन 3500 बच्चों में लगभग सब बच गए, 0.5 से भी कम मोर्टैलिटी देखी गई। तो जिस बीमारी के अंदर लगभग 100% डेथ थी उसमें 99.5% बच्चे बच चुके हैं। तो दूसरा यह कि इस दवा का असर तो ऐसा माना जाता है कि 7 से 10 दिन में दिखना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कंप्लीट रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब एक अलग खबर, मध्य प्रदेश पुलिस अब उर्दू नहीं बल्कि हिंदी शब्दों का उपयोग करेगी, इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस अब किसी अपराधी को गिरफ्तार करेगी तो उसे गिरफ्तार नहीं बल्कि अभिरक्षा कहेगी। पुलिस ने ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 69 शब्दों का प्रयोग अब से बंद करने का निर्णय किया है, उनकी जगह अब हिंदी शब्दों का उपयोग होगा। अदालत बनाम वल्द साकिन इल्जाम मुलाहिजा पुश्त, ये आदि ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में समझ में नहीं आते हैं, समझ से परे होते हैं। वे उर्दू के शब्द होते थे तब उर्दू का चलन होता था, वे फारसी का शब्द होते थे तब फारसी का चलन होता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और पुलिस प्रशासन विभाग का दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 2 वर्षों से इसे लेकर कवायद चल रही थी। हालांकि कांग्रेस का इस पूरे मामले पर कहना है कि मुजरिम को अपराधी कहने से उसका अपराध खत्म नहीं हो जाएगा।